नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। किसानों ने फिर एक बार कर दिया बड़ा ऐलान, यानी कि भारत बंद और कानून की मर्यादाओं को तार तार करने का उठा लिया बेड़ा। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और वहीं पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। किसान आंदोलन में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। बता दूं आपको, किसान आंदोलन 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज 11 मार्च है और 26 मार्च को भारत बंद ऐलान किया गया है और 28 मार्च को जलाएंगे कानूनों की होली, यानी कि कानूनों की होली मनाने जा रहे हैं और वहीं पर कानून की किताबों को जलाने की बात कर रहे हैं। बता दूं, युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया फैसला। टिकरी बॉर्डर पर शुरू किसानों का किया पक्का निर्माण, इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। सोचिए, ये एक बार फिर इन्होंने भारत बंद का ऐलान करते हुए क्या क्या घोषणाएं की हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने सुस्त पड़े आंदोलन में तेजी लाने के नए सिरे से रणनीति तैयार की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इस बार की बंदी पूरे दिन की होगी। योजना एक भी वाहन के सड़कों पर न आने देने की है। दूसरी तरफ युवाओं को दोबारा आंदोलन से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। इसका पहले संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार दोपहर बैठक के बाद किया गया है। इसमें किसान संगठनों का जोर आंदोलन को दोबारा तेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आंदोलन इस समय सूना पड़ रहा है, बॉर्डर खाली हो रहे हैं, जिसे देख राकेश टिकैत ने नया पैतरा आजमाने की कोशिश की है। यानी कि एक बार फिर जश्न मनाने की कोशिश की गई है, भारत बंद करने की कोशिश की गई है, इसीलिए दोबारा से वहां पर ज़्यादा भीड़ हो सकती है। बता दूं, मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि इस बार भारत बंद के दौरान किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। सरकार और उससे जुड़े लोग लगातार इस बात पर प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया है और अब किसान आंदोलन में लोग नहीं आ रहे। बूटा सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को बताने के लिए किसानों का आंदोलन अभी जीवित है, भारत बंद का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, इस बार सड़क पर एक भी वाहन नहीं होगा, यहां तक कि किसान के ट्रैक्टर भी बंद रहेंगे, यानी कि किसानों के ट्रैक्टर भी नहीं चलेंगे। बूटा सिंह ने बताया कि जिस तरह 8 मार्च को देश भर की महिलाओं ने सभी किसान आंदोलन स्थलों पर जुटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा 15 मार्च से 28 मार्च तक का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। बूटा सिंह ने बताया कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा अपने मंच लगाएगा और लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करेगा। यानी कि जहां चुनाव है वहां पर जाकर ये नरेंद्र मोदी को कोई वोट ना दे, ऐसी बातें कहेंगे। और वहीं पर बूटा सिंह ने जिस तरह से कहा है कि 15 मार्च से 28 मार्च तक, यानी कि बीच में त्यौहार पड़ रहा है, और ये बात राकेश टिकैत हूँ या फिर वहाँ के बड़े नेता हों, ये सभी लोग जानते हैं कि अगर त्यौहार के वक्त कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ ना हुआ तो लोग बॉर्डर छोड़कर गांव चले जाएंगे। त्यौहार मनाना है तो गांव चले जाएंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है, इसीलिए भारत बंद का आह्वान किया गया है, ताकि माहौल गर्म रहे, क्योंकि एक बार गांव जाने के बाद दोबारा लोग लौट नहीं रहे और उनके ना लौटने की वजह से आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए त्यौहार को देखते हुए लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। बता दूं आपको, 15 मार्च को डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर की कीमत वृद्धि और रेलवे निजीकरण खिलाफ प्रदर्शन होंगे, एसडीएम डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा। 17 मार्च को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सिंध बॉर्डर पर मीटिंग में हिस्से लेंगे और भारत बंद पर फैसला करेंगे। 19 मार्च को किसान खेती बचाओ मंडी बचाओ दिवस मनाएंगे, सभी मंडियों में पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाएंगे। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीना पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। 28 मार्च को होलिका दहन में पूरे भारत के अंदर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने शुरू किया पक्का जाम निर्माण। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने गर्मी और बरसात से पहले पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। बुधवार को मेट्रो के पिलर संख्या 755 के नज़दीक ईंट व सीमेंट से एक पक्की झोपड़ी बनाई है।
किसानों ने बताया कि इसका इस्तेमाल किसान आंदोलन में कार्यरत के तौर पर किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि जल्द ही यहाँ पर इस तरह की और भी पक्के निर्माण किए जाएंगे। किसानों ने कहा कि सर्दियों में बरसात के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था, ऐसे में बरसात के मौसम में निपटने के लिए अस्थाई लेकिन पक्की झोपड़ियां बनाई जाएंगी। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। हमने आपको पूरा मामला बता दिया, किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट आपको दे दी। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।